लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन का कार्य जो है पूरा हो गया। कल बात करें यूपी की ही तो पहले फेज में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 155 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। सहारनपुर में 13, कैराना में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, मुजफ्फरनगर में 38, बिजनौर में 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब इन 8 सीटों के नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। 30 मार्च तक नाम जो है वो वापस जा सकेंगे। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल खत्म हो गई। अब जो स्क्रूटनी होगी यानी कि जांच की जाएगी, जो जानकारी इन प्रत्याशियों की ओर से दी गई है वो सही है या नहीं, और अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है। 30 तारीख तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन वापस भी ले सकेंगे। कुछ उम्मीदवार होते हैं मैदान में ऐसे जो अपना नामांकन आखिरी वक्त में वापस ले लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार से चुनाव अभियान को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। चुनावी रैलियों से पहले मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अलग अलग जिलों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। 27 मार्च से 31 मार्च तक 4 दिनों में सीएम योगी यूपी की 15 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए बीजेपी के लिए चुनावी जमीन तैयार करने का काम करेंगे। पीलीभीत से नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। वरुण गांधी का टिकट काटकर उन्हें मौका दिए जाने के सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि वरुण गांधी बीजेपी के नेता हैं और निश्चित रूप से पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी ने वरुण गांधी के बारे में कुछ सोचा ही होगा। सुनिए जरा क्या बात होगी। जितिन प्रसाद देखिए पीलीभीत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा समय में मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी यहां से सांसद, लेकिन उनका टिकट कटा, जितिन प्रसाद को टिकट मिल गया। इधर बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर से नामांकन भरा और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि राम जन्मभूमि बड़ा विषय है जिसे पीएम मोदी ने सुलझाने का काम किया है। एक आरोप ये भी लगता है कि किसान आंदोलन जो अपने चरम पर रहता है आप उसको भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते और यही मजबूरी है कि किसानों को सड़क पर आना पड़ता है। हम किसी की तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, ना हम तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं। हमारा काम तो सबका साथ सबका विकास है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक अंतिम सवाल भूपेंद्र जी, पिछली बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें आई, क्या वो अलवर से वो मैसेज जाएगा कि एक बार फिर से वही नारा, फिर से वही रिकॉर्ड? बिल्कुल 25 की 25 सीटें आएंगी। लोग ये जान चुके हैं कि कांग्रेस में देश को शासन देने की क्षमता नहीं है। ऐसे में जो पार्टी और जो नेतृत्व इस क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं लोग उसको चुनते हैं। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए टीएमसी की छात्रिकाई ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ये घटना उस वक्त हुई जब राज्यपाल आसनसोल में मौजूद काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे, लेकिन राज्यपाल सीबी आनंद बोस के काफिले के वहां पहुंचते ही टीएमसी की छात्रिकाई तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तस्वीरों में दिखा कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के आने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। उनके हाथों में काले झंडे और पोस्टर नजर आए। इस दौरान वहां सुरक्षा का भी तगड़ा इंतजाम दिखाई दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से दूर कर दिया, लेकिन राज्यपाल का विरोध करते हुए वो लोग रास्ते के किनारे ही खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। टीएमसी की छात्र इकाई ने राज्यपाल सीबी आनंद बोस पर केंद्र सरकार के इशारे पर ममता सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। और अब बात बिहार की करेंगे, क्योंकि जहां कई दिनों से सियासी घमासान चल रहा था कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों की सहमति पर, अब दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। इनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर सीट शामिल है। बताया गया कि अभी कांग्रेस एक और सीट मांग कर रही है जिस पर दोनों पार्टियों में चर्चा जारी है। दावा यह कि शिवहर और महाराजगंज में से कोई एक और सीट कांग्रेस को मिल सकती है। ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है? बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। अब ये अब
अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। लास्ट मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा थोड़ी, कल ही आपको पता तेजस्वी जी ने खुद ही बोल दिया है, हो जाएगा। अब लंबे समय से चले आ रहे खींचतान के बाद कांग्रेस को आरजेडी ने 8 सीटें दे दी। हालांकि इसके बाद भी कई कांग्रेसी नेता इस सीट शेयरिंग से नाराज बताए गए। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के खाते में कौन सी 8 सीटें आ गई हैं। तो यहाँ हम ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और कांग्रेस के झोली में 8 सीटें आई हैं। कटिहार, किशनगंज जो वो पहले भी जीत चुकी है, भागलपुर, समस्तीपुर सीटें और मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम, ये सीटें बिहार में दे दी गई हैं मौजूदा समय में कांग्रेस को, जो बातचीत हुई है। लेकिन एक और सीट मांगी जा रही है कि एक और सीट दी जाए। पूर्णिया हाथों से खिसकती हुई कांग्रेस के दिखाई दे रही है। भले ही आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई हो, लेकिन पूर्णिया सीट पर दोनों पार्टियों में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और आरजेडी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुई बीमा भारती को पूर्णिया का सिंबल दे दिया। अब दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता इस बात से नाराज हो गए हैं। प्रदेश स्तर के कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान से आग्रह किया कि फ्रेंडली फाइट के तहत ही सही पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़वाया जाए, जहां बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। दावा है कि पप्पू यादव उनसे एक दिन पहले ही 2 मार्च को नॉमिनेशन कराएंगे। एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने का दावा कर रहे हैं, बीमा भारती ने 3 अप्रैल को नामांकन करने की बात कह दी है। कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है, सब लोग कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम देने जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता जो मेरी जिंदगी का, मैं आपको क्या बोलूं कि मतलब मौत के बाद ही ना पूर्णिया से कोई मुझे अलग कर पाएगा। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जिसको देंगे या आप हमें कहेंगे कोई मजबूत कैंडिडेट दो, मैं अपनी जितनी क्षमता लानी ईश्वर ने दी है हम उसको लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में। पिछले कई दिन से चर्चा में रही बिहार की पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती के नाम पर मोहर लगा दी। इस सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लंबी खींचतान चली। हालांकि जैसे ही इस सीट पर बीमा भारती का नाम फाइनल हुआ, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे पप्पू यादव ने अपने तेवर दिखा दिए और यह ऐलान कर दिया कि चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, वो तो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ऐसी खबर थी कि बिहार में 3 सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच नहीं बन पा रही थी। इन्हीं सीटों में एक पूर्णिया भी है। इस सीट पर आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी से आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, जबकि पप्पू यादव ने पूर्णिया से दावेदारी की शर्त पर ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। मतलब इस सीट पर ना तो आरजेडी अपने कदम पीछे खींच रही थी और ना ही कांग्रेस इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन आखिरकार इस पर बीमा भारती के नाम का ऐलान हो गया। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि चाहे उन्हें टिकट मिले या न मिले, वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से ही नामांकन करेंगे। इस बीच बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों के विवाद को लेकर बड़ी खबर ये कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। पूर्णिया सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार उतारने को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, लालू यादव को मुझसे क्या परेशानी है। पप्पू यादव का कहना है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम बनने में भी मदद करने की बात कही थी। या अब तो कांग्रेस को नेतृत्व को तय करना है ना, मैं तो पूर्णिया में हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आहत हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मैं तो कि मुझसे क्या परेशानी है लालू यादव जी। मैं तो हर जगह हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा और सबको पता है कि पूर्णिया से पप्पू का रिश्ता और पप्पू का पूर्णिया से रिश्ता। लेकिन ये नौबत